अल्मोड़ा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के हाथ मजबूत करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर धामी ने अजय टम्टा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अल्मोड़ा के रामजी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड की जनता 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से अधिक अंतर से पांचों लोकसभा सीटें जीत रही है। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष को बेहद कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, जिसके कारण अब तक दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी चारों पांचों लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। 2014 से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा एक इतिहास उत्तराखंड बनाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है और ये उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनने का चुनाव है, इसलिए उत्तराखंड के लोग अपना पूरा दायित्व अपने परिवार की तरह समझते हुए, जिस प्रकार से मोदी जी उत्तराखंड को परिवार मानते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है, तो बड़ा मार्जिन इस बार यहाँ से होगा। आज हमारा पहला जो नामांकन है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा का हो गया है। हमारे प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी, इनको यहाँ की जनता ने देखा भी है, लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं और इनको भी अपना आशीर्वाद देंगे, बड़े मतों से इनको जिताएंगे। और ये भी एक हमारे यहाँ से एक कमल, यहाँ से हम जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग सर्वाधिक मत देकर ऐतिहासिक विजय इस बार इनकी करेंगे। और सर, विपक्ष से डरा है क्या, प्रत्याशी उतारने में बहुत देर कर रहा है? देखिए, उनका बहुत ज़्यादा आपस में ही कन्फ्यूजन है, यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, क्योंकि उनको जो उनकी सोच जो स्पष्ट नहीं है, आपस में उनके अंदर ही जो है इतनी अंतर कला है कि टिकट भी फाइनल नहीं हो पा रहा है।